Hello everyone, welcome back to my channel Simple Life with Namrata. कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, ठीक भी नहीं हूँ और बुरी भी नहीं हूँ, क्योंकि एक तरफ हाँ जाना है वापस दिल्ली और एक तरफ कब जाना है वो नहीं पता, अटकी हुई हूँ बीच में. चलिए, मेरा पिछला ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट पे बताइए. और मुझे पता है कि थोड़ा सा मतलब मैं ज़्यादा लेंथ पे अभी नहीं बना रही हूँ वीडियोस को, थोड़ा शॉर्ट में रख रही हूँ ताकि जो एक्चुअली दिखाना है मैं वो दिखाती हूँ. और प्लीज़ कमेंट पे लिखिए आप लोग को कैसा लगता है. कमेंट्स बिल्कुल भी खाली आ रहा है. और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. आज अभी बज रहा है दोपहर का 2 बज रहा है. मैं छत पे हूँ, अभी तक नहाया नहीं. और रायन क्लास कर रहा है नीचे, अब तक तो नानी के घर पे था, कल ही आया है शाम को और आज क्लास कर रहा है. और आज मैं खाने वाली हूँ एक चीज़ जो कभी भी मेरे मायका में नहीं हुआ है. मैं अपने ससुराल पे ऑलरेडी पहले भी 2 बार खा चुकी हूँ, लेकिन वो बनाना वो देखा नहीं था. आज मेरी सासू माँ ने बनाया शुटकी माछ, दैट इज़ ड्राइड फिश. ड्राइड फिश का बनाया बैंगन आलू से, एकदम पूरा ड्राई फ्राई जैसे बनाया. और एक मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद जो है वो बना रही है शुटकी माछेर पाटा. तो ये दोनों ही चीज़ मतलब मेरे घर पे नहीं, मतलब मेरे मायके में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे खाते हैं. और मैं पहले भी जब मैं ऑफिस करती थी, फ्रेंड्स लोग टिफ़िन में लाते थे तो मैंने टेस्ट किया था. मुझे अच्छा लगता है, मुझे उतना बुरा नहीं लगता है खाना. बट मेरा बेटा नहीं खाता है, इवन इफ इस फैमिली में और भी मेरे ननद के बेटे भी नहीं खाते हैं. तो उन लोग के लिए अंडा हो रहा है और हमारे लिए हो रहा है शुटकी माछ एंड सब्जी एंड राइस. तो चलिए, मैं लंच पे अभी मैं नहाने जा रही हूँ. नहाने के बाद हम लोग लंच पे बैठेंगे तो फिर आपको दिखाऊँगी. तो ये आ गया दोपहर का खाना. ये है शुटकी माछेर बाटा, ये है शुटकी माछ का सब्जी बैंगन आलू से बनाया हुआ है. चलिए अब मैं खाना खाती हूँ और बताती हूँ. तो अब मैं खा रही हूँ ये जो ड्राइड फिश का जो बाटा बनाया है, ये बहुत ही स्पाइसी एंड स्पाइसी है. नॉर्मल फिश जो छोटे छोटे फिश फ्राई होता है वैसा ही टेस्ट लग रहा है. खाना वाना खा के बहुत देर हो गया, खाना खा लिया, खाना वाना खा के फिर पोस्ट लंच मैंने एक ऑरेंज खाया और रायन को भी दिया. अभी बज रहा है 4:30. मौसम सही में ठंड फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी थी, मतलब क्या बताऊँ, फ़ैन भी ऑन करना पड़ा था. बट फिर से कल संक्रांति है एंड फिर से लग रहा है कि ठंड, हल्का हल्का ठंड फिर से गिर रहा है. तो अभी तो सोऊंगी नहीं फिलहाल, देखते हैं कुछ करेंगे. काम भी बहुत सारा है लेकिन बहुत ज़्यादा आलसी भी लग रहे हैं. बट लेट्स सी क्या करते हैं आगे. अभी बज रहा है 8:30. शोरिक बैठा है अभी रायन का प्रोजेक्ट करने के लिए. ये मैथ्स का प्रोजेक्ट है, जियोमेट्री का, ऑल शेप्स का नेकलेस.
चोकर बना रहा हूँ। चोकर बना दिया इसने। और उधर अभी ये है शोरिक और ओ ये हेजी क्यों आ रहा है, फोकस नहीं कर रहा। बैंगन को क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है ये बैंगन को फ्राई कर रहा है। नहीं इसको फ्राई नहीं कर रहा, बैंगन पोड़ा होता है ठीक है। से तो रात का बैंगन पोड़ा इसके साथ रोटी भी बहुत अच्छे जाता है, बट मैं आज राइस खाऊंगी। सभी आज राइस ही खाएंगे। उधर है दाल, उधर है टमाटो का खट्टा, उधर अंडा हो रहा है, इधर है आलू, इसके अंदर है आलू बॉइल्ड। रात का डिनर आज है यही सिंपल बट डिलीशियस। नेक्स्ट डे दोपहर का 12 बज रहा है और कल का तो मैंने दिखाया मेरा एक्सपीरियंस शुटकी माछ खाना, तो अच्छा लगा लेकिन उतना हजम नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं ट्राई नहीं करूँगी। रायन का वो स्पोर्ट्स क्लास चल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग और ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग योर लव इन माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।